everything. I have two of my actors, three of my actors are not here today. One is Bhavna Pali and Sunil Palwar. So I will at some point I'll get them on video and we will speak to them too. Yeah? So Gaurav, it's not with you, man. Man. ट्रैफिक में फंसा हुआ ये सोच रहा था रास्ते में कि मैं जब ये माइक मुझे पकड़ाएंगे तो मैं क्या कहूँगा और बहुत तकलीफ है इसके बारे में कुछ कहना क्योंकि इतना कुछ है कहने के लिए इतना कुछ है कि कभी कभार आपको लगता है कि कुछ ना कहूँ तो बेहतर है पर क्योंकि आज हम कहने के लिए ही आए थैंक यू सैफ सर फर्स्ट ऑफ ऑल अश्विन I think this is one of those. As actors, you know, हम लोग अपने parts चुनते हैं जब हमें वो offer होते हैं. I think ये वो part है जिसने हमें चुना है. And एक बहुत crazy सी feel है. ऐसा लगता है that everybody here was destined to be here. It's almost like जिस तरीके की अनमिट कहानी देवदास की है उसी किस्म का कुछ एक कनेक्शन सबका है इस कहानी से और इसलिए हम सब यहाँ हैं हो सकता है कि मैं आधा देवदास बन गया हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ बट दैट इज व्हाट आई जेन्युइनली फील एंड इस डेस्टिनी की कॉल के लिए एक बार फिर मैं सबको थैंक यू कह देता हूँ इतना जादू है इसमें इतने अलग अलग किस्म का जादू कहने वाला दिखाने वाला सुनाने वाला महसूस करने वाला हंसाने वाला रुलाने वाला कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप एक बार आइए और वो जादू आपके सिर पर नाचता रहेगा कि छः महीने उस छः महीने के फ्री के नशे के लिए एक बार आइए थैंक यू गौरव ने एटलीस्ट ट्रैफिक में बैठे बैठे सोचा क्या बोलना है मैं बिल्कुल कुछ सोच के नहीं आई आई जस्ट वांट टू थैंक सेफ सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन एंड अश्विन ऑफ कोर्स आई फील एक्सट्रीमली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग शो एंड एज गौरव सेड इट इज गोइंग टू बी मैजिकल ऑन स्टेज द वे The way Sef sir has directed it, the way the music has come along, the way Shampa has brought in so much life on stage with the dances and the choreography and the wonderful performances by the entire star cast. I think it's going to be a grand show and I really hope and pray and actually I'm sure you all will love it. Namaste, aap sabhi ko. और शुक्रिया ये हमारे इस स्वागत पर में आप शामिल होने आए हैं द डायरेक्टर इज हियर तो मुझे रिहर्सल्स की याद आ गई मैं सुखदा खांडके कर पारो का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हूँ और जैसे कि गौरव ने कहा हम लोग सभी लगभग आधे अपने कैरेक्टर्स बन चुके हैं तो बहके बातें करते रहते हैं बहके बातें करते रहते हैं मेरे ख्याल से देवदास मेरी जिंदगी में इसलिए आया है क्योंकि ये एक लाइन है जो हम लोग यूजुअली सुनते रहते हैं कि अधूरा प्यार जो होता है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है और ये हमेशा हम सुनते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे पारो बन रही हूँ मैं और जहाँ मैं पहुँची हूँ मेरे ख्याल से देव पारो का नाम कभी लैला मजनू जूलियट रोमियो इनके साथ लिया नहीं जा लेकिन लिया जाना चाहिए क्योंकि किसी के प्यार में आप बर्बाद हो जाएं और वैसे जीते रहे चाहे वो चंद्रमुखी हो चाहे देवदास हो चाहे पारो हो और अपनी अपनी किस्मत उन्हें जहाँ ले जाती है एक प्यार के चलते बहुत बड़ी बात सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आई एम ब्लेस्ड एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव सेफ एज द डायरेक्टर जो आपके पर्सनैलिटी के और आपके
टैलेंट्स के हर पहलू को पहचानते हैं और आपको एज तक पुश करते हैं, उस एज तक जहाँ पे आप खुद नहीं जानते कि यहाँ पे आप पहुँच पाते हैं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव शंपा एंड गोडविन एज आर कोरियोग्राफर्स बिकॉज हमें इतनी खूबसूरती के से लव्स अगर मिले हैं तो मूवमेंट्स और मैजिक आप दे रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव दिस वंडरफुल को एक्टर्स टीम जिनके साथ हर दिन एक नया नया मज़ा, नया मैजिक, एक प्रेशियस पल मुझे मिलता है. और अश्विन, थैंक यू सो मच हम सबको एक साथ लाने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं करते तो ये सब बन नहीं पाता. परिवेश जी, आपका म्यूजिक हम दिन ब दिन पागल होने के ज़्यादा करीब पहुँचाने वाले जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ये खूबसूरत चीज़ आपने हमें गिफ्ट की. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्मिता जी को मैंने बहुत कन्विंस किया कि प्ले ना करें. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग द प्ले. यू आर नॉट सो गुड एट कन्विंसिंग मी. इनफैक्ट जब मैं पहली बार रीडिंग के लिए गई अश्विन के ऑफिस में, तब सेफ सर ने मुझे एक ही सवाल पूछा, ये इतना छोटा रोल है तुम क्यों करना चाहती हो? आई सेड रोल छोटा बड़ा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक कपल ऑफ रीजंस व्हाई आई वांटेड टू डू दिस शो इज, फर्स्ट इज आई नो अश्विन फॉर मेनी इयर्स. आई हैव डन सो मेनी शोज विद हिम, मेनी मेनी इयर्स, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 20-25 इयर्स दैट आई नो हिम. सेकेंडली, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, लॉट ऑफ मूवीज, लॉट ऑफ सीरियल, सब कुछ हो चुका अभी. आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड शो. That was the reason why I selected. I said no, I will do it because the छोटे shows so किए हैं मैंने बहुत सारे, but not at this grandeur and this ostentatious kind of a presentation, which was what lured me into it. And I have seen Sef sir's previous plays, so मुझे पता नहीं था उनके बारे में, मैं जानती नहीं थी उनको personally. जब उन्होंने मुझे बताया कि these are the plays that he's done, one was with शेखर सुमन एंड दीप्ति नवलवाला, एक मुलाकात, तो ये सारे शोज मैंने देखे हैं, सतीश कौशिक वाला भी मैंने देखा. तो आई यूज़ टू वंडर सर, माय गॉड, डायरेक्टर हर जगह पे इतना दिखता है, यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता. द लेटेस्ट वन आई सॉ वाज मिरर मिरर, मिनीशा लांबा. आई सेड माय गॉड, आई मीन बाय देन आई न्यू हु ही वाज, बट यू नो द परफॉर्मेंस दैट ही गॉट आउट ऑफ इट वाज एक्सीलेंट. फ्रॉम द टाइम ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट टिल यस्टरडे, the whole play every time jumps up every 6 inches. Yesterday I said, oh my god, what is happening here? Every actor jumps up 6 inches every day. Kuch na kuch naya ho jata hai har kisi ke sath. I'm sure all of us will agree with this, that every day some new pehlu nikal aata hai character ka. I said, oh my god, this only somebody, I've never worked with somebody so sensitive on stage, very honestly, due respect to all my directors, somebody so sensitive ki har din ek नहीं कुछ चीज निकल आती है हर कैरेक्टर में. परफॉर्मेंस करने में बड़ा मजा आता है. सो दिस इज ऑल्सो फ्यू रीजन सेफ सर व्हाई आई एम डूइंग द प्ले एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट. सो आई एम रियली एंजॉयिंग द होल ग्रैंडियर ऑफ द होल थिंग एंड आई लव ऑल दीज चिल्ड्रन ऑफ माइन. आई एम अ मदर इंडिया, व्हाटएवर, आई ऑलवेज प्लेड एवरीबॉडीज मदर्स एंड आई गेट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई चिल्ड्रन. So I love the whole, yesterday Komal and I was saying that the whole energy of the whole cast is very nice at the moment. You know, puri family ki jaise abhi se hi ban gaya hai, to aage chalke to hum pata nahi kya karenge. Thank you so much Ashwin once again for having cast me for this role. Sir, Sef sir, bahut bahut shukriya aapka. And everybody else, I have not danced with Chopra. I don't even try because you will forget dancing if you try to do that to me. So thank you very much for all of you being here, and I'm sure this will be something. One more thing, the other day when I was giving the interview, somebody asked me, the gentleman asked me, ki I probably am the only Kaushalya who played the movie and the theatre. Up till now, jo bhi cinema hua hai, uske natak bane nahi hai. Ek tha Mughal Azam, usme to film ka liye koi bhi kalakar nahi, but yahan pe I'm the only so far. कौशल्या जो फिल्मों में वो एक रोल मैंने किया है और अभी भी यही रोल है. सो ग्रेट नो स्पेशल, थैंक यू सो मच. सुनील पवार इज इन पेरिस राइट नाउ, सो एज यू नो वी डोंट लाइक यू
miss out on any of our cast. Okay, we are in the middle of a press conference. Do you want to say a few words? I'm very happy to be a part of this team. It's a wonderful team. All the actors and singers, the dancers are fantastic. They're doing a wonderful job. Set designer, Oman sir, and costume designer. Everybody's fantastic. We're working very hard for this. And I hope Zada se Zada do bags play ko dekhne ke liye. And I feel very blessed. I have to come to Paris for a movie shooting. And I'm very happy that I can connect with you and share my view on Devdas. So if you have any question, if you want to ask anything, I'm available. You can ask me. And I'm really, really very thankful to Seth sir and Ashwinji for making me part of this wonderful production. And I'm sure you all going to love it. It's turning out to be a very, very good production. So I hope to see you all there. Thank you. Hi, my name is Komal Chabria. I'm also one of the mothers, Kaushalya. बहुत ज़्यादा माये हैं, because ये पूरा play जब आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ के वजह से ही ये सब कुछ हो गया. That is why wholesale में माँ हैं. And I'm very grateful to Ashwin sir, Sef sir के साथ मेरी मुलाकात 10 महीने पहले हुई थी. The reading, and ever since I have been in love with the script, the entire idea of Devdas, which is पहले कई बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, but this is different. That I can definitely say. वो आपको difference क्या है आपको पता चलेगा जब आप आकर देखेंगे. And of course the magnanimity of the play, जिस huge scale पर बनाया जा रहा है, I'm so proud to be associated. With all the actors, Gaurav, Sukhda, Anshul, Manjari, Bhavna, Sunil, it's like a family now. Yeah, yes, and of course, hum toh aaye hain. So yeah, it's a big, huge, happy family, and I hope aap sab jab aakar dekhenge to aapko wo energy pata chalegi. Mukherjee family kaisi hai, kya hua tha unke sath, kya ho raha hai, because everybody's so engrossed and so involved. And everybody has just caught the character so beautifully. The songs, of course, Parivesh ji, main kal hi baat kar rahi thi. During the rehearsals, jab wo gaane play hote hain, mere ronge khade ho jaate hain. I mean, I've cried so many times quietly just listening to the songs. They are so touching. Shambhas, Ravi's dancers are amazing. Maine unko bhi kaha hai ki tumko dance karte dekh, mujhe dil ko dance karne. मेरा मन नाचता है अंदर से. इट्स सो इट्स टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल. सैफ सर की जो डायरेक्शन है अमेजिंग. एवरी टाइम ही कम्स अप, जैसे आप कह रही थी कि कुछ ना कुछ नया निकल आता है, व्हिच इज या वी जस्ट ग्रोइंग एवरी डे. एंड या आई एम जस्ट हैप्पी. थैंक यू फॉर कास्टिंग मी इन दिस मैग्नम ओपस. सी यू ऑल. Now, a little quickly, because we have to unveil the... Yeah, sure, because a lot of things already been spoken about. So, I would of course like to thank everyone who's worked in this. Everyone. I'm sure we all have done some good that we all are here. We are blessed to be a part of this. Dheere dheere karke, reading karte karte, acting karte karte, aap kaise character ban jaate, aapko khud nahi pata chalta hai. For that matter, I forgot I'm playing Paro. So, so that happens with you, and it's so magical because you start living that, and every day you discover a new side of the character. The songs are amazing. The choreography. I mean, there were times when I would look at Shampa like, how will I do this? But then she would be like, just breathe. You can do it. And just those few words, they just push you beyond your limits. And I'm sure all of us have pushed a lot, you know. We used to think that, you know, probably this is the only thing we can do, but we have pushed beyond our limits, all of us. And I just wish all of us good luck, and I know this is going to be a success. Thank you so much. Okay, Bhavna Pani. Hi, Bhavna ma'am. I'm very sorry.
sorry, I have not been able to prepare today. I have seen up get up to put a film in Hyderabad, but I can't get out here We're losing you. We're losing you. Quick one more introduction to both of your characters. And hello. Hi, I'm Yaman Chadwal and I play Devdas in the play. I'll quickly wrap my thing up. Devdas is like a jigsaw puzzle. बहुत सारे parts हैं जो एक साथ जुड़े हैं जिनपे सब पे अपना अपना नाम लिखा हुआ था जो eventually destined थे आने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very proud and very happy with the fact के उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम था in that jigsaw puzzle. And I'd like to thank Seth sir and Ashwin sir for this opportunity. And see you at the theaters. Hello everybody. मैं संजीव त्यागी. सैफ सर ने मुझे चुन्नी डाल के दे चुका है और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं. थैंक यू सो मच सैफ सर. और इतनी हिट और इतनी फेमस स्टोरी का एक पार्ट बनाने के लिए इतने अच्छे एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका दिया. बाकी सब बोल ही चुके हैं तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच. और सैफ सर की बात दोहराना चाहूँगा कि हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और हम सभी को इस वक्त मछली की वो आँख दिख रही है और सिर्फ आँख दिख रही है. और जैसा कि गौरव भाई ने कहा आप देखेंगे तो हाँ 6 महीने नशा तो रहेगा. थैंक यू सो मच.